जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सावन माह पूर्णिमा कब है, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त एवं महत्व। हिंदू धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन रक्षा बंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। इसे श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा को इसलिए भी खास माना जाता है कि क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। हालांकि इस बार पूर्णिमा की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है। 30 या 31 अगस्त की तारीख को लेकर दोनों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को दोपहर 12:27 से होगी और अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 8:35 तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि में शाम की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए 30 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि को लेकर मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन तर्पण आदि करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पूर्णिमा तिथि का स्नान 31 अगस्त 2023 को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में करने की परंपरा है। कहते हैं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन पूर्णिमा पर ऐसी गलतियां ना करें। सावन पूर्णिमा के दिन की गई ये गलतियां देवी देवताओं को नाराज कर देंगी और जीवन कष्टों से भरा हो सकता है। वहीं माँ लक्ष्मी की नाराजगी आपको कंगाल कर सकती है। आज सावन पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन ना करें। प्याज लहसुन नानवेद शरीर आदि चीज़ों का सेवन करना बिल्कुल ना करें, वरना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, बल्कि तुलसी के पत्ते छुए ही नहीं। तुलसी माँ लक्ष्मी का रूप है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को नाराज कर देते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन काले कपड़े न पहने, इस दिन सफ़ेद कपड़े या पीले कपड़े पहनना शुभ होता है। सावन पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं, बल्कि इस दिन स्नान दान करें। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को दान जरूर दें।